हो गया बढ़िया वाला। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड पी एच राइडिंग ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरह ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस, आज हम कपड़े उतार रहे हैं अपने, ठीक है, आप सभी के सामने। ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, बस रियलिटी मत लेना भाई, क्योंकि भैया आज अपना हो गया है जिम शुरू आज से, जैसा कि मैंने आपको कहा था। एंड एक महीने में मैं अपने को अपने आप से अपने तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। ये नहीं कि मैं सिक्स पैक निकाल लूँगा, कटिंग निकाल लूँगा, क्योंकि भाई मैं जिम काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को पता है कि मैं कैसे क्या करना है मुझे। क्योंकि एक्चुअली मैं 4 साल से जिम करा था, उसके बाद एक्सीडेंट की वजह से मैंने जिम छोड़ दिया था। तो अब दोबारा से जिम शुरू करना है, शादी आ रही है तो थोड़ा सा लगना चाहिए ना कुछ है भाई। तो ऐसा कुछ है अभी का हाल, ये फ्रंट एंड ये साइड है और ये हमारी दोनों है फैमिली बैग और ये साइड। तो अभी जो है अपर चेस्ट है ये थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कि इसे थोड़ा टाइट करना है। और जो हमारा स्टमक है, स्टमक को अभी फिट करेंगे, नॉट अ सिक्स पैक ऐप की तरह बना देंगे, फिट करना ओनली। तो आज मेरा फर्स्ट डे है और 9:30 बज रहे हैं, अभी फर्स्ट डे है। तो आपको मैं आज दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं अपनी एक्सरसाइज में करने वाला हूँ। आज बहुत नॉर्मली बेसिक एक्सरसाइज करूँगा, शुरू के दिन है, पहला दिन मैं 2-3 दिन ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि हैवी वेट नहीं उठाना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इंजरी वगैरह, और भी काम रहते हैं भाई लाइफ में, ये नहीं कि जिम पे ही आप डिपेंड हो जाओ। तो इसलिए भाई मैं नहीं चाहता कुछ भी करना ऐसा। छोटा छोटा स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं, धूप हो रही बहुत तेज। तो अंदर चलते हैं सीधा और दिखाते हैं आपको जिम पहले। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज एंड शुरू करेंगे हम सीधा वार्म अप से। साइकिलिंग करते हैं, देन उसके बाद करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। सो गाइस, अब शुरू करते हैं पुशअप का सेट। एंड अब पुशअप करता हूँ मैं, 10-15-20 पुशअप जो होंगे फर्स्ट तो वो कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद एक्सरसाइज में हाथ लगाएंगे, क्योंकि पहले शरीर गर्म होना ज़रूरी है ताकि इंजरी के चांसेस 99% हट जाएं। सो गाइस, फर्स्ट दो एक्सरसाइज करेंगे, वो करेंगे बैक की, और अभी बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं एकदम लो वेट से, 2-3 प्लेट लगाया ओनली मैंने, और स्लो स्लो करेंगे, और आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाई देगा बिकॉज मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है उसमें वीडियो में इस वजह से। एंड गाइस, अब सेकंड जो है वो भी बैक की एक्सरसाइज है, वो भी करेंगे स्लो स्लो, बट फास्ट फॉरवर्ड दिखेगा क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, डेट्स वाई। एंड इस एक्सरसाइज को करेंगे इन्जॉय, इसके साथ आप भी करिए मेरे साथ इन्जॉय, क्योंकि ये जो पल है ना, ये लौट के आएगा ना, हमारी आवाज़ लौट के आएगी। ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋਣੀ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਰਹਿਣੀ ਹੋਣੀ ਐਤਵਾਰ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਤਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। सो गाइस, अब बाइसेप्स की बारी है। बाइसेप को हम 2.5 kg के वेट से ही ओनली गरम करेंगे, इट मीन्स वार्म करेंगे, और एक ही सेट मारूंगा इस एक्सरसाइज का, मतलब 40 से 50 रेपिटेशन करूंगा मैं, ताकि वार्म हो जाए अच्छी तरह से। और इनको मतलब एक ट्रीट देनी होती है कि भैया मैं अपनी बॉडी को ट्रीट दे रहा हूं कि भाई अब मैं वेट उठाने वाला हूं 1-2 दिन में, तो इसलिए उसके लिए रेडी हो जाओ। सेम गाइस, ऐसी अब मैं चेस्ट का बेंच प्रेस करूंगा, तो इसमें भी मैं एकदम विदाउट वेट ओनली रॉड के साथ ही इस एक्सरसाइज को डन करूंगा, बिकॉज मैं ओनली वार्म कर रहा हूं शरीर को, ताकि जो पेन है वो ना ज़्यादा हो
और ताकि मेरे शरीर पे भी वार्म हो जाए और मैं अच्छी तरह से एक पंप वाली बॉडी अपने आप को दिखा पाऊँ। इस वजह से 40-50 रेपिटेशन करूँगा इसका ओनली। एंड सेकेंड एक्सरसाइज गाइस चेस्ट की, यह है आपका बटरफ्लाई, एंड इसमें भी मैं ओनली 3 प्लेट लगाई हैं जो कि नॉर्मल एक कोई भी इंसान कर सकता है जिम में फर्स्ट डे आके भी। सो गाइस वर्कआउट तो पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है, थोड़ा मोड़ा किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि इतनी हिम्मत भी नहीं होती है भाई, फर्स्ट डे है तो इसलिए थोड़ा बहुत स्किप कर देते हैं। और इसके अलावा वर्कआउट ठीक हुआ है, आप देख लो ऐसा हो गया पंप एकदम बढ़िया वाला, चेस्ट पंप हो गया बढ़िया वाला, और ये बैक्स में आज पंप के साथ, ये भाई सब हमारे जो कुछ है ही नहीं अभी, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी बात, मैं ना किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना कुछ है, ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल ब्लॉग है, तो इसे मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग मैं आप सेट कर रखा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो कोई पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मत जाइएगा भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि भाई कोई पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बोले कि हाँ भाई आप पर्सनल सिखा रहे हो। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा भाई, मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए कि भाई बच्चे आए या फिर कोई भी आए बोलेंगे कि भैया आप मुझे सिखाओ तो गाइस मैं तो किसी को सिखाने वाला हूँ नहीं, क्यों, क्योंकि भाई पूछोगे बताएंगे बात अलग है, बच्चे ना कमेंट करेंगे या फिर कोई भी हो बड़ा हो वो भी कमेंट करेगा कि भाई तुमने ये खिला दिया वो खिला दिया ट्रेनिंग दे दी ऐसी दे दी, तो भाई मैं ट्रेनर नहीं हूँ किसी का भी, ठीक है, और मैं सिर्फ अपनी बॉडी के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। सबको सजेशन बस यही दूंगा, अपनी मेहनत करो, जिम जाओ, दौड़ लगाओ, रनिंग करो, अखाड़ा करो, कुछ भी करो, वो आपके शरीर पर काम आएगा। आटरम सटरम प्रोटीन सप्लीमेंट पर मत जाना, ठीक है, वो चीज़ गलत है और वो रियलिटी में गलत है। अपना सूखा करो जो करना है, घर का खाना पीना खाओ, घी खाओ, दूध पियो, छाछ पियो, बढ़िया एकदम ताज़े तरह से रहो। और एंड भाई एक चीज़ और, राइट नाउ माय फेस कटिंग इज़ यूनिक, थोड़ा सा अलग करा है मैंने, कैप्टन आयरन मैन को देख के मैंने थोड़ा सा कहा कि यार आज इस बार ऐसे करवाना, जॉ लाइन मैंने करवाई है। कमेंट सेक्शन में जाना बिलो द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट करना ज़रूर कि भैया कैसा लग रहा है आज का आपको ये लुक एंड अपर बॉडी, ठीक है, कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बाबा टाटा सेवन आर।